हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं अमित सन यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले कि आप कैसे ई पैन को घर बैठे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको 8 रुपीज का एक पेमेंट करना होता है, लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे एक तरीका आपको बताने वाले हैं कि जिस तरीके से आप फ्री में अपना ई पैन को डाउनलोड कर सकते। ये तरीका क्या है कि आपने अगर पैन कार्ड को अपडेट करवाने के लिए दिया है, अदरवाइज आपने एक नया पैन कार्ड बन बनाया हो, तो उसी वजह से आपका जब भी पैन कार्ड प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद से आपके पास 30 डेज का समय रहता है जिसके अंदर आप अपना पैन कार्ड को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप कैसे पैन कार्ड को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री में NSDL का ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सिंपली इधर सर्च करना है NSDL पैन कार्ड डाउनलोड। ये सर्च करते ही आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है डाउनलोड ई पैन कार्ड NSDL, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि डाउनलोड ई पैन कार्ड के NSDL का एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। अगर आप इस वेबसाइट को नहीं ढूंढ पाते हो तो मैं मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। इधर आने के बाद आप देख सकते हो कि डाउनलोड ई पैन के नीचे में देखिए दो ऑप्शन है, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड पैन। अगर आपने नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए हो तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, आपके पास पैन कार्ड का नंबर नहीं होगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर से पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है आपको इधर एंटर कर देना है। तो मैं मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर कर देता हूँ। एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करने के बाद देखिए नीचे की तरफ डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको सही से इधर एंटर कर देना है। तो पहले ऑप्शन है मंथ ऑफ बर्थ, आप किस मंथ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको इधर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद देखिए ईयर ऑफ बर्थ, आपका सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ क्या है इधर एंटर कर देना है। ईयर ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद देखिए नीचे की तरफ एक कैप्चर है, इस कैप्चर को आपको सही से फिल कर लेना है। तो मैं कैप्चर को फिल कर लेता हूँ। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जब भी सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप इधर देख सकते हो कि डाउनलोड ई पैन कार्ड करके एक ऑप्शन आ चुका है। इसमें आपका पैन कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड सब कुछ इधर शो कर रहा है। एंड नीचे की तरफ देखिए सिलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शन टू रिसीव ओटीपी, इसमें आप किस में ओटीपी लेना चाहते हो, मोबाइल या ईमेल आईडी, आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं मोबाइल नंबर को चूज कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर चूज करने के बाद नीचे की तरफ फिर से एक बॉक्स है, इस पर आपको सिंपली टिक करना है एंड जेनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब जब भी जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो पैन कार्ड करते वक्त अपने जिस मोबाइल नंबर को दिया था उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सिंपली इधर एंटर कर देना है। तो फिलहाल मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं इधर एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि डाउनलोड ई पैन कार्ड, थैंक्स फॉर यूजिंग फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ ई पैन, और नीचे की तरफ देख सकते हो कि डाउनलोड ई पैन PDF और डाउनलोड ई पैन XML, आपको सिंपली डाउनलोड ई पैन PDF पे क्लिक कर देना है। अब जब भी इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका पैन कार्ड इधर डाउनलोड हो गया है, देख सकते हो। इस पैन कार्ड को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करते आप देख सकते हो कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। एंड इस पासवर्ड आपको कैसे पता चलेगा, मान लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है तो आपका पासवर्ड होगा 0101 2000। तो इसी हिसाब से आप अपना पासवर्ड इधर एंटर कर दीजिएगा। मैं मेरा पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जब भी सबमिट पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि मेरा पैन कार्ड इधर आ चुका है। ऐसे ही सिंपल तरीकों से आप फ्री में एक्नॉलेजमेंट नंबर को देकर अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप पैन कार्ड का नंबर देके ही पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो चलते देखते हैं कैसे आप ये कर सकते हो। पैन कार्ड का नंबर देके अगर आप पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको फिर से इस वेबसाइट पे चले आना है एंड इधर आपको सिंपली पैन कार्ड को चूज कर लेना है। पैन कार्ड चूज करने के बाद आपको सिंपली आपका जो भी पैन कार्ड का नंबर है इधर एंटर कर देना है। पैन कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद देखिए आधार नंबर, आपका जो भी आधार नंबर है इधर सही से एंटर कर लेना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद देखिए नीचे की तरफ सेम ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है इधर से चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद नीचे की तरफ देखिए एक GSTN कार्ड का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, आप इधर दे सकते हो अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद देखिए एक UDI की तरफ से एक बॉक्स है, इसको आपको सिंपली टिक करना है एंड नीचे की तरफ जो कैप्चर है उसको सही से फिल कर लेना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है।
अब जब भी सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको फिर से ऐसा ही एक पेज आएगा, इसमें आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ इधर शो करेगा। आपको फिर से ओटीपी किस में चाहिए इस ऑप्शन पे आप जिस भी ऑप्शन को चाहो चूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं मोबाइल नंबर चूज कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर चूज करने के बाद देखिए नीचे की तरफ एक बॉक्स है, इस पे आपको सिंपली टिक करना है एंड जेनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल नंबर पे फिर से एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सिंपली इधर एंटर कर देना है। तो मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं इधर एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि फिर से मेरा पैन कार्ड आ चुका है एंड सेम ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको सिंपली डाउनलोड ई पैन पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा एंड मैं जब पैन कार्ड को ओपन करने जाता हूँ तो फिर से आपको पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड है, आपको सही से इधर एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा ई पैन जो है वो ओपन हो चुका है। तो ऐसे ही सिंपल तरीकों से आप एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड पैन नंबर दोनों देके ही अपना पैन कार्ड को फ्री में डाउनलोड करवा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।